हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एंड टेक सीरीज प्रेजेंटेड यू बाय एल आई अडमी और दिस लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर टूडे वी शैल भी डिस्कसिंग अबाउट डिफेंस विदियस कंपोनेंट्स मिसाइल सिस्टम्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर रहेगा अब आई नो आप लोग परेशान हो चुके हैं प्रोमिस देर विलस वी विलेबस फिर भी आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है या आपको लगता है कि हमने ये नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में, में टॉपिक लिखिए हम उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे उसका लिंक पर्सनली आपको सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर देंगे एंड यू नो एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस सपोर्टिंग अस यू नो वी अर्न वी अर्न बाई यूट्यूब एंड वी ट्राई टू मेक ऑसम कोर्सेज फॉर यू एंड न्यू कोर्सेज कमिंग अप सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स एंड आई प्रोमिस यू यू विल गेट दू पी एस सी फाउंडेशन कोर्स even if i am not there for free on youtube always that's my promise the foundation course will never be paid that's was the basic premises on which alpha is academy was set up so beginning for the day now we shall be discussing the uh, topic of defense today uh, see the now defense is a big thing uh, big topic but then uh, what we have to see is that uh, basically uh, from the perspective of UPSC. So start. to course uh, IGM DP the, that is integrated guided missile development program. Now this was the program and received by the uh, you know my own motivation. Uh, the person whom I admire I admire the most from the person you know who is my I take him as, as my हिम इज एज माई my एंड माई आइडिया दैट वो इज नन अदर देन डॉक्टर ए Abdul Kalam ji and you know he was the one to and we एंड the I G M D P. नाव आई जी एम डी पी की एक भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अब उससे उस स्टोरी को समझने से पहले आपको एम टी सी आर पढ़ना पड़ेगा दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल देखो एम टी सी आर कुछ नहीं था एक एक टाइप का इनफॉर्मल ग्रुप था जो कि 1987 में बनाया गया इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी आपकी कनाडा, फ्रांस जर्मनी इटली जापान द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट इन सब ने मिलकर आपस में बैठे ये क्योंकि क्योंकि इन्हें लगा कि हम तो दादा हैं दुनिया के तो दादा लोग बैठे दादा लोगों ने बोला कि भैया ऐसा है कि भैया ये मिसाइल विसाइल तो ठीक है हम लोगों ने तो बना ली है बट लेकिन कोई और नहीं बनाएगा जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ही रहेंगी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और किसके लिए नहीं होगा ये जो ट्रीटी थी किसके लिए थी ये रॉकेट एंड यू जिसको आजकल आप लोग ड्रोन्स भी बोलते हैं दैट आर अन एरियल व्हीकल्स ऐसे मिसाइल और ऐसे यू जो कि तीन किलोमीटर तक जा सकते हैं पाँच सौ के जी तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी रॉकेट और यू को बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी ठीक है क्योंकि अपने आप अप तो बना लिया था ठीक है और ये कोई लीगली बाइंडिंग था बट लेकिन उन्होंने आपस में मिले बोला कि ठीक है ठीक है ऐसा करते हैं तो अब जो हमारे कलाम साहब थे उन्होंने बोला कि यार देखो ये तो गलत बात है मतलब कोई बात नहीं मत दो हम खुद कर लेंगे ठीक है कोई हम भीख भिकमें थोड़ी ना हैं तो उन्होंने क्या एक विसाज के एक विजन बनाया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का दैट्स वाई ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया

सबसोनिक uh, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक देखो जो ये जो स्पीड होती है मैक मैक में नापी जाती है ठीक है अगर तो लेस देन वन मैक है तो वो सबसोनिक हो जाएगा अगर एक से लेके पांच मैक है इट इज बिटवीन दी वन एंड फाइव मैक इट इज सुपरसोनिक एंड इट इट इज इज ग्रेटर देन देन मैक नोन एज हाइपरसोनिक तो क्रूज मिसाइल्स आर डिवाइडेड इन सबसोनिक सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक नाउ टॉकिंग अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल्स ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं तो ब्लास्टिक मिसाइल्स कैसे होती हैं आपके टैक्टिकल थिएटर कमांड जो थिएटर कमांड तो ना आप ना हाँ वही थिएटर है ठीक है शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज इंटरमीडिएट रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल एंड सबमरीन लॉन्च तो ये ब्लास्टिक मिसाइल्स के टाइप हैं अगर हम लॉन्च मोड की पे डिवाइड करें मिसाइल्स को तो क्या हो जाएगा आपका पहले सरफेस से स्टार्ट करते हैं तो सरफेस से सरफेस फिर सरफेस से एयर फिर सरफेस टू सी फिर आप आकाश में चलते हैं तो एयर टू एयर एयर टू सरफेसू सर लॉन्च मोड पे किस टाइप की मसाइल है ठीक है। अगर हम पे बात करें तो दो क्लासिफिकेशन है एक हाई एनर्जी वॉर हेड होते हैं या हाई एनर्जी बॉम्बस को वो ले जा सकती है ठीक है बम फोड़ दिया आपने स्ट्रेटेजिक वॉर हेड्स न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जा सकती है रेडियो एक्टिव कैरी कर सकती है ठीक है अब बात करें अगर हम गाइडेंस की तो जल्दी से पढ़ लेते हैं वायर गाइडेंस कमांड गाइडेंस टे, टेरेन कंपेरिजन गाइडेंस गाइडेंस इनर्शियल गाइडेंस बीम राइडर गाइडेंस लेजर गाइडेंस एफ एंड जी रेफरेंस ठीक है ये गाइडेंस है ज़्यादा एक ब्रॉडर आपको हमेशा एक आइडिया होना चाहिए चीजों का यूपीएससी में उससे ज्यादा नहीं देन रेंज की बात करें अगर हम तो शॉर्ट रेंज किस बोलेंगे वेन दी रेंज ऑफ द मिसाइल और द रॉकेट इज बिटवीन थ्री हंड्रेड टू थाउजेंड किलोमीटर मीडियम रेंज कब बोलेंगे वन इट इज बिटवीन थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर

नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि जो गैस है उसको आप यूज कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर लाइक माइनस टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस या माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की उस टेम्परेचर पर जाके जब टेम्परेचर इतना लो हो जाता है तो जो बिहेवियर ऑफ गैस है वो चेंज हो जाता है और जब चेंज हो जाता जा है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब आप उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या जब आप उसको लो टेम्परेचर पर इस्तेमाल करेंगे क्या बन जाएगा आपका क्रायोजेनिक स्क्रैमजेड और रैमजेट देखो

ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी पे चेक करने में ही यूज़ किया जा रहा है अभी इसको हवा में हमने चेक नहीं किया बेसिकली ये करते क्या है कि जो ऑक्सीडाइजर होता है मैंने आप पिछले लेक्चर में बताया था ऑक्सीडाइजर के रूप में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं ऐसे कुछ होते हैं अगर आपने देखा होगा ठीक है ऐसे इनमें ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ठीक है और इनमें हवा बहती है फ्यूल इनमें होता ही है और इनकमिंग एयर को ये कंप्रेस करके उसका इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो बड़ा स्मूथ होता है फ्रिक्शन बड़ा कम होता है स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन में ठीक है अब बात कर लेते हैं भाई सबके लिए बड़ी समस्या रही है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल तो ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में देखो क्या फर्क है बेसिकली आप एक डाइग्राम देखो देखो तो ब्लास्टिक मिसाइल क्या है एक बार आपने इसको जब इनिशियल इग्निशन देके छोड़ा छोड़ा तो जैसे ही अपने ऑर्बिट में आएगी तो उसके बाद ये पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी ठीक है तो इसकी जो प्रिसीजन pre है वो बड़ा कम होता है वहीं अगर मैं बात करूँ क्रूज़ मिसाइल की देखो ये ब्लास्टिंग मिसाइल जो है आपका अर्थ एटमॉसफेयर में भी रह सकती है एटमोसफेयर के बाहर भी जा सकती है लेकिन जो क्रूज़ मिसाइल है वो विद इन एटमॉसफेयर रहती है इसीलिए इंटरसेप्शन की अगर मैं बात करूं कि इंटरसेप्ट कौन आसानी से हो जाती है तो क्रूज़ मिसाइल को आसानी से आप इंटरसेप्ट कर सकते हो ब्लास्टिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो बट देन अच्छी कौन सी है अच्छी हमेशा क्रूज रैली होती है क्योंकि वो अपने पास जो है ट्रेजेक्ट्री जो है डिफाइन कर लेती है एक तो आपको टारगेट पहले प्रीसेट करना पड़ेगा इसमें ठीक है आपने ये कर लिया कि यहाँ पे मुझे बम मारना यहाँ पे इस पर मुझे बम गिराना है तो क्रूज जो है कभी ऐसे घूमेगी कभी ऐसे घूमेगी फिर ऐसे ट्रेजेक्ट्री में चलती जाएगी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है इसकी पूरे अपनी ट्रेजेक्ट्री में ठीक है ऐसे घूमेगी और एकदम ऐसे इसको आके हिट कर देगी ठीक है लेकिन बट ब्लास्टिंग मिसाइल क्या है वो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है अपनी पर्टिकुलर ठीक है तो मेजर डिफरेंस तो है ठीक है उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ब्लेस्टिक मिसाइल कैसे होती है शॉर्ट रेंज हो गई मीडियम रेंज हो गई इंटरमीडिएट रेंज हो गई ICBM हो गई ठीक है आईसी फोर्स जो हो गई जो जो क्रूज मिसाइल है वो बेसिकली आपकी ऐसी होती हैं आपका मैंने बताया सब हाइपर सोनिक सब सोनिक है ना और सुपर सोनिक बीच में आता है सुपर सोनिक ठीक है गाइस अब और क्या डिफरेंस होता है देखो जो ब्लेस्टिक मिसाइल का जो पाथ है वो डिसाइड करता है जो कोरियोलिस्ट फोर्स है अर्थ की या जो ग्रेविटी है कि अर्थ हवा कैसे चल रही है किस तरफ हवा चल रही है रेजिस्टेंस कितना है ये सब डिफाइन करती है ठीक है और अगर बात करें इंटरसेप्शन की मैंने बात बता दी ब्लास्टिक मिसाइल्स आर हार्ड टू इंटरसेप्ट क्रूज मिसाइल इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन इंटरसेप्ट बट देन डिटेक्शन की बात करें तो ब्लास्टिक मिसाइल्स को आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो उसको जो है अगर आप सर्विस टू एयर मिसाइल से उड़ा भी सकते हो बट देन क्रूज मिसाइल्स आर हार्ड टू डिटेक्ट ठीक है क्योंकि वो बहुत स्पीड में चलती हैं और वो क्रूज मिसाइल जो है अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर रहती है ब्लास्टिक मिसाइल जो है बाहर भी छोड़ सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं अब टुडे लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंडियन मिसाइल सिस्टम बहुत सारी मिसाइल्स हैं ठीक है सबसे पहले तो सबकी फेवरेट पढ़ लेते हैं दैट आर अग्नि अग्नि मिसाइल अच्छा इस आ, आप जाके जो हैं हमारे साइट पे हमारे टेलीग्राम पे ये पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है आप मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है मटेरियल सामने रख के पढ़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है लेक्चर खोलें नोट्स सब बने हुए हैं उसी में मार्क करते जाएं अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं मोस्टली तो जो नोट्स में लिखा हुआ है वही बता रहे हैं हम ठीक है उसके अलावा आपको लगता है कोई शॉर्ट नोट है मैंने कोई नई बात बताई तो वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं पेंसिल से ठीक है वही रखिएगा और जो नोट्स बनाएंगे वो प्रिंट एक साइड करिएगा ताकि पीछे बाद में नोटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग के लिए आपका काम हो जाए तो मेरे ख्याल से एक सौ बावन पेज की बुकलेट है आपका एक सौ बावन पेज निकालिए तो एक सौ बावन प्लस एक सौ बावन पीछे आपका तीन सौ पेज में आपका लगभग लगभग पूरा साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगा मेन्स प्लस प्री तो यही तरीका होता है ठीक है अब बात करते हैं मिसाइल्स की सबकी फेवरेट अग्नि तो अगली वन अच्छा इसके परपल्शन वगैरह आप डायग्राम में जाके पढ़ लीजिएगा वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा ठीक है आपको नहीं मिलता बाई चांस खुदा ना खास्ता आपको नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में एक जाइएगा या अल्फा अल्फाईस अकेडमी का हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा हम आपको वहाँ पर लिंक या पी डी एफ प्रोवाइड कर देंगे एट नो no कॉस्ट ठीक है अग्नि मिसाइल्स हैं ठीक है ये बेसिकली ब्लैस्टिक मिसाइल्स हैं सारी सा, ठीक है बस इनकी क्या है कि रेंज में फ़र्क है तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो अगर अग्नि वन की बात करूं तो लगभग लगभग सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड किलोमीटर है अग्नि टू की लगभग हज़ार हज़ार का फ़र्क है टू थाउजेंड किलोमीटर है इसकी लगभग थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर है अग्नि फोर की अग्नि फोर की सॉरी Uh, इसकी ओ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसकी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अग्नि थ्री की इसकी अग्नि फोर की लगभग लगभग थर्टी फाइव हंड्रेड है और अग्नि फाइव की जो है एक टाइप की आई सी बी एम है तो आई सी बी एम इंटरकॉन्टीनेंटल प्लास्टिक मिसाइल तो लगभग लगभग पाँच हज़ार किलोमीटर इसकी आ, जो है रेंज है अच्छा इनके वॉर हेड भी जो है अलग अलग वेट के लिए जा सकती हैं ठीक है थीके? वो आप जाके देख लीजिएगा फिर दूसरी बात करें तो अगली जो मिसाइल है वो है त्रिशूल ठीक है

अगर आप रशिया यूक्रेन का वॉर ऑब्जर्व करेंगे तो उनके जो सोल्जर्स हैं कभी सामने आमने सामने अभी तक आए थोड़ा है कभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट थोड़ा हुआ मिसाइलों से ही काम चल रहा है वहाँ मिसाइलें यू जितनी भी हाइट एंड जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है सबका इस्तेमाल चल रहा है वहाँ पर ठीक है तो कमिंग बैक टू त्रिशूल त्रिशूल क्या है शॉर्ट रेंज भाई त्रिशूल से देखिए त्रिशूल कहाँ मार सकते हैं शॉर्ट रेंज मार सकते हैं क्विक रिएक्शन है और ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल है ये ठीक है एस टू ए मिसाइल है देन अगली बात करें आकाश की अगली मिसाइल कौन सी है हमारे पास आकाश तो आकाश क्या है आकाश बेसिकली एक मीडियम रेंज इट इज मीडियम रेंज और कैसी है ये सरफेस टू एयर ये भी सरफेस टू एयर ठीक है अगर मैं अगली बात करूं तो अगली है हमारे पास नाग अगली कौन सी है नाग ये एक टाइप की फायर एंड फॉरगेट है ये जो है बेसिकली इसी को ये हेलीकॉप्टर भी लग जाती है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ना हमारे जो हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं तो ये उस पर भी लग जाती है और उसका जो नाक का ही वर्जन है वो जो ध्रुप पे लगता है उसको हेलिना बोलते हैं ठीक है उसको हेलिना बोलते हैं दैट इज हेलीकॉप्टर लॉन्च नाक ठीक है तो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाक ठीक है हेलिना बोलते हैं ठीक है अब बात जो नेक्स्ट मिसाइल है वो कौन सी है वो है पृथ्वी ठीक है पृथ्वी आपने अगर याद करो तो इसको हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी डेवलप कर रहे थे तो ये पहली मिसाइल है जो आई जी में डेवलप हुई है ठीक है और ये है कैसी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो लगभग लगभग डेढ़ सौ से तीन सौ किलोमीटर है ओके ठीक है अब बात करते हैं ब्रह्मोस की तो ब्रह्मोस को थो थोड़ा सा इलेबोरेट पढ़ लेते हैं क्योंकि हमेशा बड़ा विवाद भी रहा है बड़ी खतरनाक सी मिसाइल रही है तो है कैसी है कैसी एक तो ये सुपरसोनिक है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में बताओ सुपरसोनिक की स्पीड कितनी होती है ठीक है रशिया और इंडिया मिल बनाते हैं इसमें ठीक है इनफैक्ट uh, ये जो ब्रह्मोस का ब्रह्म है ये ब्रह्मपुत्र और वहाँ पे एक दूसरी रिवर है वो मेरे को याद नहीं है वेरी सॉरी कमेंट बॉक्स में चलो आप ही बता दो कि कौन सी रिवर है उन दोनों की रिवर को मिलकर ये नाम दिया गया था ठीक uh, है मल्टी प्लेटफॉर्म है मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब देखो मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है किसी भी उससे छोड़ सकते हो आप तो ब्रह्मोस को जो है सुखोई से छोड़ा जाता है इंडिया में जो सूथ हटी है आपका सूथ हटी एम के आई उससे जो उस पर ब्रह्मोस फिट uh, की ब्रह जाती है ठीक है तो मल्टी प्लेटफॉर्म क्या होगा कि आप उसको ग्राउंड से भी छोड़ सकते हो आप उसको एयर से भी छोड़ सकते हो आप उसको सबमरीन से भी छोड़ सकते हो कहीं से भी छोड़ सकते हो ठीक है लगभग लगभग इसकी जो स्पीड है ये टू पॉइंट फाइव से टू पॉइंट एट मैक है ठीक है एंड फायर एंड फॉरगेट है ये भी कि भैया एक बार छोड़ा तो उड़ा देंगे ठीक है वो अगली मिसाइल कौन सी है हमारे पास अगली है निर्भय ठीक है निर्भय कैसी एक सपोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस को सप्लीमेंट करती है ठीक है अगली है सागरिका सागरिका क्या है सागरिका एस एल बी एम है ठीक है एस एल बी एम मतलब नहीं है सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल तो कैसी मिसाइल है ब्लास्टिक मिसाइल है और कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं सबमरीन से भाई नीचे गया सबमरीन में और फिट कहाँ से करेंगे इसको अरियंत हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसमें हम इसको फिट करेंगे तो वो कौन सी क्लास है अरियंत क्लास है भाई देखिए सबमरीन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं फ्यूल के बेसिस पे कैसी वो चलती है तो आपकी डीजल हो गई आपकी इलेक्ट्रिक हो गई एक डीजल इलेक्ट्रिक होती है एक न्यूक्लियर सबमरीन होती है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं तो अलग अलग क्लासेस होती हैं एक पी सेवेंटीफाइव ये प्रोजेक्ट पढ़ा होगा आपने एक पी फिफ्टीन ये प्रोजेक्ट होगा तो वो सब क्या है ये सब जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं किसको सबमरीन को डेवलप करने के लिए चलाए जा रहे हैं ठीक है अरियन क्लास की ये जो है इसकी रेंज कितनी है रेंज लगभग लगभग इसकी सेवन हंड्रेड किलोमीटर है ओके ठीक है अब बात करते हैं शौर्य की इसी का एक वेरिएंट है शौर्य शौर्य जो है सागरिका का ही एक वेरिएंट है ठीक है और स्ट्राइक कैपेबिलिटी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब सेकंड स्ट्राइक मतलब किसी ने हम पे स्ट्राइक कर दिया तो उसको वापस जवाब दे ही देने के लिए तगड़ा जवाब उस आ, कहते हैं ना जो अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो जो पाकिस्तानी साइड का होता है वो सनी देवल कुछ डायलॉग मारता है और बोलता है उसको जवाब दो इसको तो ये जो शौर्य जो मिसाइल है ये जवाब दो उसको वाली मिसाइल है ठीक है अब बात करें अगर धनुष की तो धनुष क्या है एक सी बेस्ड है ठीक है और मतलब शॉर्ट रेंज है ठीक है शॉर्ट रेंज है ये और इसका ब्लास्टिंग एक टाइप की मिस, ब्लास्टिंग मिसाइल है ठीक है धनुष दो तीन मिसाइल और पढ़ लेते हैं एक आपकी अस्त्र है दो मिसाइल और पढ़ लेते हैं एक आपकी अस्त्र है एक प्रहार है ठीक है अस्त्र और प्रहार देखो अस्त्र क्या है जो भी मैं बात कर रहा था बी वी डी इज बी वी आर सॉरी बियॉन्ड विजुअल रेंज ठीक है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डॉग फाइट के लिए ठीक है दो जो आपस में लड़ रहे हैं ठीक है तो डॉग फाइट के लिए क्या बनाई आपने एयर टू एयर मिसाइल बना दी प्रोपेन्ट सॉलिड प्रोबलेंट मतलब फ्यूल कैसे इस्तेमाल करती है सॉलिड एंड यू नो अस्त्र इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेपन बींग डिप्ड बाई डी आर डी ओ तो इफ़ यू टॉक अबाउट यू टॉक अबाउट स्मॉल हैज टू बी क्रेडिटेड आपको डी आर डी ओ को क्रेडिट करना ही पड़ेगा दे दे हैव हैव डन इमेंस इमेंस वर्क वर्क इन इन इट एंड एंड आई आई फ्रेंड्स नो द काइंड ऑफ डू होती है डी आर डी ओ में लेकिन जो चीज बन के आती है ना मजा आ जाता है उनकी चीज देख के ठीक है प्रहार की बात करें तो प्रहार एक सर्फेस टू तो सरफेस मिसाइल है लेटेस्ट है इसकी रेंज लगभग लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर है ठीक है आ, एक हमारे पास मिसाइल है देखो ये जो प्रहार है ना एक हमारे मिसाइल है पिनाका सुना होगा आपने है ना पिनाका जो है बैरल रॉकेट है मल्टी बैरल रॉकेट देखा आपने वो मल्टी बैरल रॉकेट कैसे होता है एक देखा आपने बड़ा सा ट्रक होता है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे होता है देखो गोले गोले लगे लग होते हैं और जब वो छोड़ता है तो बहुत सारी मिसाइलें एक साथ जू 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 ऐसे जाती हैं ठीक है fire, गाने 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 गाने। इन बैरल्स में छूटती हैं तो इसी को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स बोलते हैं ठीक है तो इसके बीच में और एक हमारे पास मिसाइल जो पृथ्वी है उसके बीच की हमारे पास कोई मिसाइल नहीं थी तो ये प्रहार जो है ये इन दोनों के बीज की मिसाइल है बहुत हाईली मेनरेबल है एक्सलेशन इसका है अच्छी एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है तो आज के लेक्चर में इतना ही दो लेक्चर और आएंगे ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी और आईपीआर पढ़ा देंगे छोटे से दे लेक्चर होंगे ज़्यादा नहीं होंगे तो बने रहिए हमारे साथ एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर टेक केयर बाय एंड कीप स्माइलिंग सी यू